नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो नर्सरी में पौध तैयार करके उनको विदेशों तक निर्यात करते हैं। ये 16 एकड़ में अपनी नर्सरी चलाते हैं। तो चलिए मिलते हैं ग्राम दादलू, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा के निवासी हरबीर सिंह से। प्रगतिशील किसान हरबीर सिंह की नर्सरी देश में ही नहीं विदेशों तक प्रसिद्ध है। इनकी नर्सरी में तैयार की हुई पौध भारत के प्रमुख राज्यों एवं विदेशों तक निर्यात की जाती है। इन्होंने खाद से लेकर लेबोरेटरी और नर्सरी उगाने का तरीका खुद ने तैयार किया है। एक बार पौध तैयार होने के बाद ये 2.5 महीना तक पौध में पानी नहीं देते हैं। इनको इस उपलब्धि के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो चलिए मिलते हैं हरबीर सिंह से, इनसे बात करें हमारे सहयोगी क्षितिज कुमार। हरबीर सिंह जी, आपने नर्सरी जो ये लगा रखी है, इसकी शुरुआत से यहाँ तक की यात्रा के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएंगे। एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ और किसानी को ही प्रमोट करने के लिए जो मेरा जीवन है, इसी राह पर चलना चाहिए। किसानी कैसे फ़ायदे में जा सकती है, क्या कुछ हो सकता है, तो जो भी मेरे से प्रयास होगा मैं अपना पूरा 100% योगदान देने की कोशिश करूँगा। तो 4-5 साल खेती करने के बाद मुझे महसूस हुआ भी ये तो घाटे का सौदा है, इसको मुनाफे की तरफ लेकर जाना है। तो सबसे पहले हमने फिर नर्सरी अपनी सब्जी उगानी शुरू करी हमने। तो यहाँ से मेरा धीरे धीरे जो ये नर्सरी का सफ़र था वो शुरू हुआ। तो 2 कनाल से मैंने ये सफ़र शुरू किया था। बढ़ते बढ़ते ये इतना सफ़र लंबा होता गया कि अब मैं 16-17 एकड़ पर आ गया हूँ। तो जो मेरे नेबर्स स्टेट्स हैं मेरी, वहाँ तो मेरी नर्सरी जाती है, कई स्टेट्स में जाती है, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, अब तो इटली तक भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जब मैंने नर्सरी स्टार्टिंग 2004 में मैंने नर्सरी स्टार्ट करी, स्टार्ट करने के 1-2 साल हम घाटे में रहे, पर हमने फिर इस घाटे को पहचाना, उसको जानने की कोशिश करी कि ये हम घाटा कहाँ खा गए हैं। उसके 2-3 कारण रहे। एक तो हम जिसमें नर्सरी आम जो लोग जैसे पहले उगाया करते, जो पत्ती चल रही आ रही थी उसी के ऊपर हमने उगाई नर्सरी। उसमें जैसे 1 किलो सीड हुआ करता था, उसमें 70-80 हज़ार सीड लिया करते थे, सीडलिंग लिया करते थे। हमने महसूस किया कि एक अपना मीडियम बनाया जाए जिसमें नर्सरी को जर्मिनेट कराया जाए। तो हमने एक अपना मीडियम बनाया जिसमें हमने नर्सरी जर्मिनेट करवाई। तो अब हम 1,60,000-65,000 प्लांट 1 किलो सीड से लेते हैं। हमारी जो नंबर ऑफ प्लांट हैं वो किलो पीछे ज़्यादा आ गए। अगर वो ज़्यादा आ गए तो हमारी नेचुरली बात है भी हमारे ये इसमें हमें और बेनिफिट मुनाफा ज़्यादा हो गया। तो हमने अपने जो सिस्टम को हर साल यही रहता है भी कैसे फ़ाइन करें, फ़ाइन करते करते इतना फ़ाइन कर लिया है कि मेरे पास अब 16-17 एकड़ नर्सरी है। इसमें मेरा खुला चैलेंज है कि कोई सिंगल प्लांट भी बीमारी वाला कोई दिखा दे तो मैं नर्सरी की लाइन छोड़ दूंगा। हरबीर सिंह जी, आप कौन कौन से पौधों की नर्सरी तैयार करते हैं और ये कितने तरीके के होते हैं? सर, मेरे पास जितने भी सीजनली वेजिटेबल होती है वो सारी नर्सरी उपलब्ध रहती है, सारा साल ही उपलब्ध रहती है। आगे वैरायटी का हिसाब किताब ये है, जैसे मान लो चिल्ली है मेरे पास, वो 40-42 तरह की चिल्ली है। अब हमें ये पता है भी यूपी में कौन सी जाएगी, राजस्थान कौन सी चलेगी, पंजाब में कौन सी चलेगी, तो एरिया वाइज हमारे पास वैरायटियाँ जो सिलेक्ट करी हुई है हमने वो सारी मिलेंगी। हमारे पास कैप्सिकम है, वो हमारे पास 17-18 तरह की है, टमाटर 27-28 तरह का है हमारे पास, और सीजनली ये सारा साल ही ऐसे चलती रहती हैं। और सारी मेरे पास वेल वाली सब्जी होती है। एक लोगों को एक सिखाने का काम भी हम करते हैं कि ये इस पद्धति से, ये इस विधि से आप ये नर्सरी ग्रो भी कर सकते हो। हरबीर सिंह ने अपनी मेहनत से खाद बनाने का ऐसा मीडियम तैयार किया है जो पौधे के लिए बहुत उपयोगी है एवं इसमें पानी की जरूरत कम पड़ती है तथा कोई रोग भी नहीं लगता है। हरबीर सिंह जी, आप नर्सरी के पौधों में जो खाद डालते हैं वो किस तरह तैयार करते हैं? सर, नर्सरी उगाने के लिए जो मैं खाद यूज़ करता हूँ वो जो मेरा एक मीडियम है उसमें सबसे ज़्यादा रोल इस चीज़ का है। ये एक तरह का ये चावल का जला हुआ छिलका है जिसको राइस बर्न्ड हस्क बोलते हैं। ये चावल का जला हुआ छिलका सबसे ज़्यादा रोल इस चीज़ का है। इसमें आप कुछ और भी मिलाते हैं? इसमें मेरी 2 चीज़ें और मिलती हैं, जैसे हमारी रिवर बेल्ट की सैंड होती है, जो रेत होती है, नदियों की जो रेत होती है। तीसरा, इसमें जो हमने जानवर रखे हुए हैं इसके जो गोबर होता है
उसको हम गोबर गैस से पहले प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद सुखाते हैं, सुखाने के बाद हम रूटावेटर में क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद जब छान लेते हैं उसको, जब ब्रीक हो जाता है तो वो चीज़ भी इसमें मिक्स होती है। अब तीन चीज़ों का ये मिक्सचर हो गया, ये राख हो गई, रेत हो गई, और जो हमारी जो जानवरों के जो गोबर है वो हो गया। ये तीन चीज़ों का मिक्सचर है। सर, ये जो चावल की जली हुई राख है, ये किस तरीके से पौधों को पोषण देती है? सर, इसका जो मेन काम है वो पोषण देने का नहीं है, इसका मेन रोल ये रहता है, एक तो ये जो ज़मीन है अपनी इसको बिल्कुल फोका रखती है, दूसरा ये है मेरी जो पानी की खपत है इसमें बहुत कम हो जाती है, कम क्या नील ही हो जाती है। तो एक तो ये बिल्कुल जैसे स्पंज का काम करती है, रात को ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती है और दिन में ये ड्राई हो जाती है। एक तो पानी की 2-3 महीने की जो मेरी रिक्वायरमेंट है ये उसको ख़त्म कर देती है। उसके बाद जैसे आगे धुंधे चलेंगी, ठंड आ जाएगी, 11-12 बजे तक धुंध रहेगी, उसके बाद 3-4 बजे फिर धुंध आनी शुरू हो जाएगी। अगर 2 घंटे की सनलाइट मिल जाए प्लांट को जी, तो मेरे लिए बहुत है। और ये इसका मेन रोल ये है, क्योंकि ब्लैक होने के कारण जितनी भी सनलाइट को ये ऑब्जर्व करेगी, तो ये 2 घंटे की जो सनलाइट है वो मेरे सारे 24 घंटे के लिए ये स्टोरेज करेगी और मेरे प्लांट को बड़ा फायदा देती है। इसका मेन रोल ये है जी। और तीसरा रोल एक और भी है इसका छोटा सा, इसमें कोई इंसेक्ट नहीं आता, पता नहीं इसमें क्या चीज़ है, उसकी आंखों में पड़ता है, जो नीचे से इंसेक्ट आते हैं नर्सरी में आते हैं वो एक इंसेक्ट नहीं आने देती है। ये मेरे 2-3 इसके बड़े ज़बरदस्त बेनिफिट हैं जो मुझे मिले हैं इसके, तो इसी के ऊपर ही हमने फिर सारा वर्क अपना जो है इसी राख के ऊपर किया है हमने। ये आप ही का आविष्कार है? ये हमारा आविष्कार है जी। इसको सेट करने में, अब इसकी रेशो को सेट करने में हमें बड़ा टाइम लगा। वैसे मैं 16 साल से यूज़ कर रहा हूँ, पर 2 साल हमने पहले जो 2 साल स्टार्टिंग के 2 साल थे उसमें हमने हर 15 दिन में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और क्रॉप के अकॉर्डिंग हर 15 दिन में अपना ट्रायल लगाते थे इसकी रेशो सेट करने के लिए, कि गर्मी में ये क्या रिएक्ट करेगा, ठंड में ये क्या रिएक्ट करेगा और नॉर्मल टेम्परेचर में ये क्या रिएक्ट करेगा। तो ये 2 सालों के बाद हम इसकी रेशो को सेट कर पाए। अब 16 साल मुझे नर्सरी में हो गए हैं, 16 साल से ही मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और बड़ा बढ़िया मुझे रिजल्ट दे रहे हैं। और इसका एक बेनिफिट इस राख का और भी आ जाएगा, इस जो मेरे मीडिया का, जब हम नर्सरी प्याज की उखाड़ते हैं, प्याज की नर्सरी को उखाड़ने में भी हमें किसी खुरपे या किसी इम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, हाथ से उखड़ जाती है सारी नर्सरी जो मेरी उखड़ेगी, हाथ से उखड़ जाएगी। इसको PPNW बोलते हैं, कपड़े को PPNW बोलते हैं, पॉली प्लास्टर नॉन वोवन जी। और ये 25 GSM का है और UV स्टेबलाइज्ड है ये। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हरवीर सिंह ने 16 एकड़ में पौध की नर्सरी लगा रखी है। ये पौध खुले में भी लगाते हैं एवं पॉली हाउस में भी। पौध लगाने का तरीका इन्होंने खुद तैयार किया है। जैसे ये मेरा 1 मीटर चौड़ा बेड है, बेड निकालने के बाद इसके ऊपर हम 2.5 से 3 इंच की एक लेयर दी हुई है हमने इस मिक्सचर की, इसमें एक एक सीड लगा हुआ है। सीड लगने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, ऊपर से ही ऐसे बंद हो जाएगा, ये लाइनिंग इसकी बंद हो जाएगी। बंद करने के बाद फिर इसके ऊपर स्प्रिंकलर से पानी आएगा, पानी आने के बाद पॉलीथीन से ये कवर होगा, कवर ये 6-7 दिन में, ये अगर एयर टाइट इसको कर दिया तो 5 से 6 दिन में ये जम जाएगा। जमने के बाद बिल्कुल उसके बाद इसको उतार दिया जाएगा पॉलीथीन को, और उसके ऊपर वो लो टनल लग जाएंगे कपड़े वाले। इसमें अब ऐसा है 1 मीटर में हमारी 10 लाइनें निकली हुई हैं, तो जो हमारी चिल्ली कैप्सिकम और जो टमाटर है हमारा, इसका इसकी जो स्पेसिंग है ये लाइन टू लाइन 3 इंच की है, प्लांट टू प्लांट 1 इंच की है। तो ये जैसे हमारा प्याज है, प्याज में ये डिस्टेंस कम होकर 1.5 इंच रह जाता है, तो अब ये 3 इंच 10 लाइनें निकली हुई हैं 1 मीटर बेड के ऊपर, तो इसमें एक एक सीड लग रहा है आपके सामने, ये लग रहा है एक एक सीड लगा हुआ है। सारी नर्सरी में ऐसा नहीं कि आपको दो एक ही जगह 2 प्लांट जमे हुए नजर आएंगे, बिल्कुल एक एक सीड आपको जमा हुआ नजर आएगा। और हमें ये भी पता होता है कि 1 किले की लंबाई में हमारे पास कितने 1000 प्लांट हैं,
चाहे आप इसको स्क्वायर फुट में काउंट कर लेना या स्क्वायर मीटर में काउंट कर लेना, जैसे भी जहाँ से भी मर्जी कर लेना, सिर्फ 250 ऊपर नीचे हो सकते हैं एक किले की लंबाई में। तो हमें ये भी पता रहता है, क्योंकि हमें ये पता है भी अब कितने डिस्टेंस में कितना सीट लग रहा है। तो ये कैलकुलेशन अगर कोई नर्सरी वाला कर गया तो बेनिफिट में रहेगा। सर ये बहुत अलग दिख रहा है, ये तीन चीजों का मिक्सचर है। इसमें एक तो चावल का जला हुआ छिलका है, अब ये रीयूज हो रहा है। यहाँ से मैंने नर्सरी सेल करी है, ये बेड मेरा दोबारा यूज हो रहा है। ये तो ये जो है ये आप बता रहे हैं कि ये दोबारा काम में आ रही है, तो दोबारा किस तरीके से, फटाके वापस डालने का या लगातार? नहीं, ऐसा है, इसके ऊपर जो जैसे प्याज की नर्सरी थी 2 दिन पहले, वो हमने हाथ से उखाड़ दिया है। बिल्कुल इजीली हो जाती है, मैं उखाड़ के दिखा भी सकता हूँ आपको। जैसे ये नर्सरी है हमारी, ये बिल्कुल ऐसे हाथ से बाहर आ जाती है, और ये रूट्स देख लो, सारे सेकेंडरी रूट्स आ गए। ये सारा ऐसे ही, जैसे ऊपर से नर्सरी उखाड़ ली जाएगी, नर्सरी उखाड़ने के बाद जो ये हमारा मीडिया ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसको प्लेन करके लाइनर से लाइन निकाल के, तो इसके ऊपर हमने ये, हाँ जी, इस करके ये दोबारा रीयूज हो रहा है ये। तो बीज की बुआई के बाद ये आपके दूसरे कदम की प्रक्रिया है? सर ये दूसरे चरण में आ गई है नर्सरी अपनी। तो ऐसा है, अब इसमें पानी चल रहा है, तो जैसे मान लो हमने इसमें टमाटर का सीड डाला हुआ है, तो इसमें अब पहले 2 घंटे पानी आज चलेगा, 3 घंटे कल चलेगा। तो वैसे तो आज ही हम 5 घंटे चला सकते थे, पर उसका थोड़ा सा नुकसान रहता है, पहले दिन अगर ज़्यादा पानी चल जाए तो बेड गिरने का खतरा रहता है। आज 2 घंटे पानी चलने के बाद ये बेड सेट हो जाएगा, मिट्टी इसकी सेट हो जाएगी, कल 3 घंटे में इसका पानी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको पॉलीथीन की शीट से कवर कर देंगे, तो ये 6-7 दिन बाद ये बीज अंकुरित होकर बाहर आ जाएगा, तो ये 1.25 महीने तक ये सेल पर आ जाएगा। और ये क्या है? सर इसको लो टनल बोलते हैं, इसके नीचे चिल्ली की नर्सरी है। ये सर्दी में इस कपड़े का यूज़ होता है, वैसे तो गर्मी में भी इस कपड़े का यूज़ हो जाता है। इसके नीचे जैसे चिल्ली और टमाटर ठंड से प्रोटेक्शन देने के लिए हमने ये कपड़ा डाल रखा है, इसको PPNW बोलते हैं। कपड़े को PPNW बोलते हैं, पॉली प्लास्टर नॉन वोवन जी। और ये 25 GSM का है, और UV स्टेबलाइज्ड है। ये नॉन UV में भी आता है, पर ये UV स्टेबलाइज्ड है। और जो लोग पॉलीथीन के नीचे नर्सरी करते हैं, पॉलीथीन को मैं सब्जी और नर्सरी के लिए एक जहर मानता हूँ, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी बन जाती है, उसमें पौधा लंबाई ज़्यादा ले जाता है, तने में जान नहीं रहती, और बाहर जब ओपन फील्ड में जब वो पौधा प्लांट लगेगा तो वो ऐसे मुड़ेगा, क्योंकि तने में जान नहीं है, और मरेगा। तो इस पौधे में सारी इस कपड़े के नीचे बिल्कुल हार्डनिंग आ जाती है। तो एक और भी मेरा चैलेंज रहेगा, जितनी मैं ऊपर प्लांट दे दूंगा, मैं नीचे उसकी 1.5 गुना नीचे जड़ दूंगा। इस कपड़े की यही एक खासियत है, और ये UV स्टेबलाइज्ड है, इसको दिन में उतारना नहीं पड़ता। अगर पॉलीथीन लगा होता तो उसको दिन में उतारना पड़ता और रात को फिर ऊपर देना पड़ता। अब ये हमारा फिक्स रहता है, 10 दिन बाद इसको हम उतारते हैं। 10 दिन जो हमारी नॉर्मल स्प्रे होती हैं, जैसे हम कीट पतंगों के लिए नीम ऑयल का यूज़ करते हैं, सारी नर्सरी मेरी ऑर्गेनिक है। तो इस इतना ज़बरदस्त इस कपड़े के हमें रिजल्ट मिले, हम जून जुलाई में जैसे गोभी की नर्सरी होती है 45 तक टेम्परेचर चला जाता है, उस टाइम ही हम इसको यूज़ करते हैं। उस टाइम एक तो बरसात से प्रोटेक्शन देता है, जैसे सीधी बरसात पड़ी इसके ऊपर बूंद सीधी पौधे को नहीं लगती, पौधा बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है उसमें। दूसरा ये मच्छर से उस टाइम बचाता है ये जी। तो ये मैं सारा साल इस कपड़े को यूज़ करता हूँ, और मेरा 2 साल निकाल जाता है। और हम लोगों को जो इसमें पन्नी का यूज़ करते हैं, उनको ये बताते हैं पन्नी छोड़ के अगर इसको यूज़ करो आप, पन्नी भी आपकी 1 साल निकाल लेगी, ये भी आपका 2 साल निकाल जाएगा, और उससे ये कम रेट में मिलता है। इसकी और बेनिफिट इसका ये है, अगर पट जाए बीच में तो हम इसके ऊपर से सिलाई करवा के इसको सी सकते हैं। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक SS राठौड़ से हमने बात की, तो उन्होंने बताया जैसे हरबीर सिंह जी हैं, उन्होंने नर्सरी के अंदर स्पेशली उन्होंने सब्जी की जो पौध तैयार करते हैं, और एक बड़े लेवल के लिए बड़े स्तर पे उनका जो नर्सरी है, और बिल्कुल आधुनिक तरीके से उन्होंने उसको प्रबंधन कर रखा है। चावल की तूड़ी है, उसकी राख और गोबर जो स्लैरी है हमारी गोबर की, उसको और साथ में जो बालू रेत है नदी के किनारे की, उन तीनों का मिश्रण करके और उन्होंने एक मीडिया तैयार किया है। तो ये बड़ा अच्छा है कि वो एक क्या पानी की अवशोषण, पानी को अवशोषित करके और अपने अंदर स्टोर रखता है, कंजर्व करता है मॉइस्चर को, और दूसरा रेत और जो खाद है
खाद है वो पोषण का काम करती है और रेत है वो जीवाणुओं को, दूसरे जो जमीन में जीवाणु होते हैं उनको पनपने नहीं देती है। ऐसे निकलेंगी, निकल कर ही ये ऐसे ही अब जमीन में लग जाएंगी जी। तो ये जो जमींदार का जर्मिनेट होने और तैयार होने में पौधा में जो एक महीना लगता था वो हमारा यही लग गया है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हरवीर सिंह एक बार पौध पनपाने के बाद अपने पौध में 2.5 महीने तक पानी नहीं देते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। सर ये मैं देख रहा हूँ बीच में शायद पानी की लाइन का लगा हुआ है लेकिन ये इससे ढका हुआ है, तो पानी का बैलेंस कैसे करते हैं, कितने दिन में देते हैं? सर इसको माइक्रो स्प्रिंकलर बोलते हैं, ये कई तरह का आता है, मिनी स्प्रिंकलर भी होते हैं, ये मेरे माइक्रो स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। सारा जो मेरा पानी का सिस्टम है नर्सरी में वो इन स्प्रिंकलर इनके जरिए होता है। तो अब इनमें भी एक जो मेरी नोज़ल है ये 30 लीटर पानी एक घंटे का 30 लीटर पानी निकालती है। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ रहती है, जैसे हमने नर्सरी बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद ऊपर से हमने अपने उसी मीडिया से कवर कर दिया, कवर करने के बाद हम इसको 2 दिन चलाते हैं। 2 दिन का मतलब एक दिन में पहले दिन 3 घंटे 2 घंटे चलेंगे, अगले दिन ये 3 घंटे चलेंगे, 5 घंटे में हमारा पानी 1 एकड़ का पूरा हो जाता है। उसके बाद हम एक इसको पॉलीथीन की शीट से बिल्कुल एयर टाइट करके कवर कर देते हैं। हमारा जो बीज है 6-7 दिन बाद ये जर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद हम इसको पॉलीथीन को उतार लेते हैं, पॉलीथीन शीट को, उसके बाद हमारी ये लो टनल लग जाता है जी। तो लो टनल लगने के बाद अब हम मेरी जैसे ये इसके नीचे नर्सरी खड़ी हुई है जी, चिल्ली की नर्सरी है, मुझे सिर्फ जर्मिनेट करवाने तक पानी की ज़रूरत है। अब ऐसा है भी अगर मेरी नर्सरी 2 फरवरी मार्च तक 2-2.5 महीने भी खड़ी रहे तो मुझे पानी की ज़रूरत ही नहीं। बाकी एक चीज़ ज़रूर आपको बता देता हूँ, अगर मान लो मेरे पास स्प्रिंकलर ना लगे होते या जो दूसरे कोई और जो नर्सरी ग्रोवर हैं वो नर्सरी उगाते हैं वो खालियों में पानी छोड़ के ऐसे ऊपर छिड़कते हैं, उसमें क्या होता है जो जैसे ये 1 मीटर चौड़ा बेड है मेरा जी। बीच में तो इतना जो पार्ट है वो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, साइडें उसकी दब जाएंगी पानी की वजह से। मेरी नर्सरी सारी देख लो 16 एकड़ में ऐसी खड़ी है, बिल्कुल आपको इक्वल मिलेगी, बिल्कुल प्लांट भी बिल्कुल इक्वल मिलेंगे। तो ये इन स्प्रिंकलर्स जो लगे हुए हैं इन्हीं का सारा खेल है और ये लगवाने चाहिए नर्सरी ग्रोवर को, तो खास करके इसको लगवाने चाहिए। सर खास दूरी पर ये तार लगा रखा है, ये क्या तकनीक है? सर ये जो तार है ये फाइबर की एक तार है, पहले हम इसमें इसके नीचे एक यूज़ किया करते थे GSL, उसको जंग लग जाता था तो हमारा जो दूसरे साल में जब कपड़ा आता था जब जंग वाला जो पार्ट होता था वहाँ से हमारा कपड़ा ब्रेक कर जाता था। तो अब हमने पिछले साल से ये एक तार ढूंढी है, ये 5 mm की तार है, तो ये इस तार से हमें ये बेनिफिट लगा जी, इसको ये जब हम इसको निकालते हैं एकदम बिल्कुल सीधी हो जाती है, एक तो इसको इकट्ठा करना बड़ा आसान है, दूसरा ये है भाई ये हमारा कपड़ा ब्रेक नहीं होता इससे। जैसे मेरे 1 एकड़ में 46 बेड निकले हुए हैं, 46 बेड में हमारी जो नीचे लगी हुई है एक रो में हमारी 35 तारें लगी हुई हैं, 25 नीचे हैं और 10 हमने ऊपर लगा रखी है, ऊपर इस करके लगा रखी है ऊपर वाली को थोड़ा सा हमने टाइट किया हुआ है ताकि जो हमारा कपड़ा है वो हिले ना, वो बिल्कुल फंसा रहे पौधों को परेशानी पर, अगर उतरेगा तो जैसे उतर गया मान लो ऊपर ना लगाते तो ये इधर हवा से इधर या इधर हो जाता तो पौधा हमारा डिस्टर्ब हो सकता था जी। अब ये बिल्कुल हमारे कपड़े को जकड़ के रखेगा, तो इसका बेनिफिट ये है, एक तो हल्की होने के कारण इकट्ठा करना इसको आसान है, दूसरा जंग नहीं लगता, हमारा कपड़ा आराम से 2 साल निकाल जाता है। हरवीर सिंह ने अपने खेत में कम लागत से एक ऐसी लैब का आविष्कार किया है जिसमें बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। सर ये है आपकी बीज अंकुरित लैब, मुझे यहाँ का तापमान कुछ अलग महसूस हो रहा है, ऐसी इसमें क्या विशेषता है? सर ये जो हमारी जर्मिनेशन लैब है इसको हमने इसी साल में तैयार किया है, इसमें हमने कोई देसी से अपने फार्मूले लगा रखे हैं, एक तो ये एयरटाइट है, उसके बाद इसमें एक मैं ये यहाँ से दिखाता हूँ आपको, इसमें एक पॉलीथीन अंदर मल्च वाली शीट लगी हुई है, ये ब्लैक ब्लैक शीट लगी हुई है जी, जो
बाहर से ब्लैक है, अंदर से सिल्वर है। तो जो ब्लैक पार्ट है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, और जो इसका जो अंदर वाला सिल्वर पार्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है। ये नेचुरल ही इस शीट ने इसका तापमान इतना बढ़ा दिया है, जैसे मान लो रात को 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो इसमें 28, 29, 30 तक रहेगा। दिन में जैसे 45 टेम्परेचर हो जाता, अपना 15 टेम्परेचर हो जाता है दिन में, तो ये रात को 40+45 के आसपास कर देगा। ये जो इसमें ये पॉलीथीन लगा हुआ है, ये सारे इसी की गेम है। अब इसमें और जो ये बार लगा हुआ है पॉलीथीन बार से ठंडा हो जाता था, तो हमने इसमें और इस पॉलीथीन में एक 4 इंच का एक गैप रखा हुआ है। इस गैप ने ही ये इसमें जो गर्मी है बना रखी है, और ये नेचुरल गर्मी है इसमें। तो इसमें जो हमारे जो ये ट्रे आ गई हैं अंदर बीज जर्मिनेट होने के लिए, ये 4 दिन में जर्मिनेट इसमें हो जाएगा सीड, और इसको फिर वो बड़े वाले अपने जो फोलिया है उसमें हम शिफ्ट कर देंगे। सर ये जो आइडिया है ये आपका अपना है? ये हमारा अपना आइडिया है जी। हमने एक फार्मूला लगाया था, हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था, ये मल्च वाली शीट पड़ी हुई थी, हमने सोचा भी इसको लगा के देखते हैं इसके ऊपर जी। हमें नहीं पता था भी इतने जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं। और हमारा ये जो भी इसके ऊपर अगर मान लो 8-10 लाख रुपया गर्म करने के लिए जो खर्चा आता वो हमने बचा लिया है। ये आधा रोल लगाया, ये एक रोल 1000 रुपये का आ जाता है, 5-100 रुपये का ये इसके ऊपर लगाया और उसने नेचुरल ही इसको गर्म कर दिया है। हरबीर सिंह ने पॉली हाउस में सभी तरह की पौध लगा रखी है। ये पौध को अपने लैब में अंकुरित होने के बाद पौध को पॉली हाउस में रखते हैं। पॉली हाउस में ये पौध को समुचित तैयार कर किसानों को बेचते हैं। किसान देश ही नहीं विदेश तक इनकी पौध लेने आते हैं। सर आप ये नर्सरी के पौधे बाहर लगाते हैं और यहाँ पॉली हाउस में भी लगाते हैं, इनमें क्या फर्क है? सर जितनी भी वेल वाली सब्जी होती है वो प्रो ट्रे में लगती है, इसकी नर्सरी बाहर में नहीं तैयार हो सकती, क्योंकि इसमें जो खन्ने होते हैं इसमें नर्सरी तैयार होती है। इसमें बड़े कॉस्टली सीड लगे हुए हैं, 2.5 रुपए से लेकर मेरे पास 7.5 रुपए तक पर बीज इसमें लगा हुआ है। तो ये अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे ये खरबूजा है, ये हमें 2.30 रुपए का एक सीड है। आगे तरबूज लगा हुआ है वो 3 रुपए का एक सीड है। तो जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं वो पूरे ट्रे में होती हैं और ऐसे ही निकल के ये सेल हो जाती हैं। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, जैसे ही ये ऐसे निकलेंगी, ये तो ऐसे निकलेंगी, निकल कर ही ये ऐसे ही अब जमीन में लग जाएंगी जी। तो ये जो जमींदार का जर्मिनेट होने और तैयार होने में पौधा में जो 1 महीना लगता था वो हमारा यहीं लग गया है। तो यहीं ये तैयार होके ये अब खेत में लगने के लिए अब तैयार है। जब ये 4 लीव्स पर आ जाती है तो ये सेल के लिए तैयार हो जाती है। अब ये सेल के लिए तैयार है, मेरे पास ये कल इसमें से 11,500 एक पार्टी के पास जाना है और 6,500 प्लांट एक पार्टी के पास जाना है। मैं मिर्ची, टमाटर, ककड़ी, खीरा सारी तरह की खेती करता हूं, और इनकी जो पौध है वो मैं हरबीर सिंह जी से लाता हूं, जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है और उनका जो पौधों का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, उनका उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। और जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी, उनकी जड़ों में कोई रोग नहीं आता है, कोई कीट नहीं आता है, मतलब जब अपन लगाते हैं उससे लेकर प्रोडक्शन तक उनमें कोई कमी नहीं आती है, कोई भी कीट रोग उनका प्रकोप उन पर नहीं हो पाता है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है, और उसकी वजह से आज हम लाखों में कमा रहे हैं। हरबीर सिंह जी, आपने जो नर्सरी का काम किया है ये भारत में शायद ही किसी ने किया हो, तो इसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया होगा। हाँ जी, मैं गवर्नमेंट से कई बार अवार्डेड हूँ, मेरे पास नेशनल अवार्ड भी है, और नेशनल अवार्ड एनजी रंगा अवार्ड है जो मुझे 2016 में मिला था, मेरे पास किसान रत्न का अवार्ड भी है, मेरे पास नर्सरी रत्न का अवार्ड भी है। तो देखा आपने किस तरह से हरबीर सिंह नर्सरी में पौध तैयार करके उन्हें विदेशों तक निर्यात करते हैं। आप भी इनसे प्रेरणा लेकर लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं और ये काम बखूबी कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर। हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान से, जो उच्चतम तकनीक से बागवानी की खेती कर रहे हैं और उससे लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। ये हैं ग्राम मित्रवाड़ी, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान के निवासी रामजी लाल।